I'm totally shocked. हमारे हिसाब से तो ऐसे आदमियों के लिए बस एक ही जगह होनी चाहिए, बस जेल। केके कोचिंग सेंटर के मालिक मिथिलेश सिंह का कहना है कि डॉक्टर प्रभाकर आनंद के कहने पर ही दीपक कुमार ने ये हमला किया है। पुलिस ने दीपक कुमार को हिरासत में ले लिया। मिथिलेश सिंह से भी उन्होंने हाथापाई की। इस वारदात से मिथिलेश सिंह गहरे सदमे में है और विद्यार्थी दहशत में। आप ही प्रभाकर आनंद है? जी मैं हूँ। चलिए थाने बुलाया आपको। अरे लेकिन ये तो यहीं पे थे। एक मिनट कविता, चलिए मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं तुम दोनों यहीं ठहरो। दीपक कुमार से आपके क्या संबंध है? क्या मिथिलेश सिंह से आप बदला ले रहे हैं? डॉक्टर आनंद पहले प्रिंसिपल फिर अपराधी, कैसा लग रहा है आपको? साइन करो अपना कुंडली। के कोचिंग गया था ना, साइन कर, अंदर लेके जाए इसको। सॉरी सर। आइए प्राचार्य महोदय, देखते तो आप बहुत जेंटलमैन हैं, इसलिए हम आपको कितना आदर के साथ समझाए थे, वकील भी करके दिए थे, और आप यह चवन्नी छाप गुंडा का इस्तेमाल करने लगे। ठीक, ऐसी उम्मीद नहीं थी हमें आपसे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, सर को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। ज्यादा हीरोगिरी किया तो ठूस के रख देंगे।